संजय निरुपम से जवाब ले लेते हैं। शेरगिल जी, आपने बड़ी बात कह दी है राहुल गांधी के लिए। क्या राहुल गांधी ये फर्क भूल गए हैं संजय निरुपम जी, और ये जो हार हुई है ये इसीलिए हुई है? ये राहुल गांधी, हालांकि खड़गे साहब आपके अध्यक्ष हैं, लेकिन सारा का सारा ठीकरा जो है वो शेरगिल जी राहुल गांधी पर फोड़ रहे हैं, क्या ये सही है? और जो बात शेरगिल जी कह रहे हैं उसका क्या जवाब आपके पास? अभी अभी ये जनाब कांग्रेस छोड़ करके गए हैं, तो निश्चित तौर पर के इनके अंदर एक पीड़ा है, निश्चित तौर पर इनके अंदर एक कुंठा है, और वो कुंठा निकल करके आएगी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है तो सामूहिक नेतृत्व के तहत चुनाव लड़ती है। खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, उसके बाद फिर हमारी पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व, वो सब मिलकर लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर हारेंगे तो उसका एक विश्लेषण होगा, उसका एक आत्मावलोकन होगा, और उसके बाद तय किया जाएगा कि कहां कमी हुई, कहां गड़बड़ हो गई। कोई व्यक्ति चुनाव हार गया मतलब वो पूरी तरह से नकारा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हम जीते भी थे, हम हार गए इसका मतलब कमलनाथ जी पूरी तरह से नकारा हो गए हैं, उनको रिजेक्ट कर दो, ये नहीं होगा। भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और अच्छी सरकार चल रही थी। अगर हम हार गए तो सिर्फ भूपेश बघेल की वजह से ही हारे हैं, या किसी खड़गे जी की वजह से हारे हैं, या राहुल जी की वजह से हारे, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो कर्नाटक में जब बीजेपी हार गई थी तो क्या मोदी जी नकारा हो गए थे, अमित शाह नकारा हो गए थे? जब वेस्ट बंगाल में जाकर बीजेपी हार गई थी तो क्या अमित शाह और मोदी जी नकारा हो गए थे? क्या सारा ठीकरा उन पर फोड़ देना चाहिए था? तो अलग अलग कारण होते हैं चुनाव हारने के। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर किसी के अंदर किसी व्यक्ति को लेकर के नाराजगी है, वो अपनी नाराजगी अपनी कुंठा जाहिर कर सकता है, वो स्वतंत्र है। हम लेकिन चलिए प्रिसाइजली एक क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आप क्यों हारे? मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आप क्यों हारे? दीपक जी भी अपना सवाल इसमें जोड़ेंगे। दीपक, नहीं नहीं, मैं तो यही पूछ रहा था मध्य प्रदेश में क्या हुआ ईवीएम का, बताइए ना मेरे को थोड़ा। संजय भाई बताइए ईवीएम के बारे में। दीपक जी, आप बढ़िया से चर्चा करना चाहते हैं कि ऐसे ही बदकुचन करना चाहते हैं? दीपक जी, मैं आ रहा हूं। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, आज से नहीं 25 साल से मैं तुमको जानता हूं। तुम सीरियस बात करो ना। नहीं, मैं तो बोल चुका हूं। सबसे सीरियस बात है संजय भाई, पिछली बार इसी पे ठीकरा फूटा था। हाँ, तो मैं तो बोल चुका हूं ना, आप सीरियस बात ही नहीं करना जब बात बात। मैं तो बोल चुका हूं कि ईवीएम को मैनेज किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर मध्य प्रदेश में ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया होगा तो इस पे चौंकना नहीं चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जयवीर शेरगिल जी जवाब। लेकिन मैं एक सामान्य तौर पर एक हार का विश्लेषण करना चाहता हूं, जो कि आप भी शायद यही चाहते हैं, इसीलिए आज डिबेट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बताइए मध्य प्रदेश की एक नारा बड़ी वजह के मन में मोदी ये नारा था। मध्य प्रदेश के एक बड़ी वजह जो आपको लग रही हो कि उसकी वजह से इतने खराब नतीजे आए। जयवीर से ईवीएम का जवाब तो ले लें, क्या बोलते हैं जयवीर? बहुत एक मिनट संजय भाई अच्छा, संजय भाई मेरे एक मिनट, सवाल का जवाब देने। देखिए, ऐसे इरिटेट मत करिए। हम अगर आप जीते हैं तो थोड़ा प्रसन्न रहिए और हमारे से जवाब लीजिए ना भाई, हम जो जवाब देना चाहते हैं। ऐसे बात बात की इरिटेट करेंगे कोई मतलब नहीं है साहब। आप डिबेट करना चाहते हैं, स्वस्थ तरीके से डिबेट करिए ना। चलिए चलिए संजय भाई, कीजिए। अब इनका बार बार सवाल है, एंकर मैडम का बार बार सवाल है कि मध्य प्रदेश में आप क्यों हारे। बहुत अच्छा सवाल है, हम भी चौंक गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जमीनी हकीकत जो हमको दिख रही थी उसमें साफ साफ दिख रहा था कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम जीत रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार एक बहुत भ्रष्ट सरकार है, बदनाम सरकार है, हार रही है। इसके बावजूद एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिलती है और कह रहे हैं कि आंधी तूफान था, हमको तो आंधी तूफान कहीं दिखा नहीं। तो अपने आप में एक चौंकाने वाला रिजल्ट है ये, और इस रिजल्ट का विश्लेषण जरूर किया जाएगा। आखिर हमसे पूरे चुनाव प्रचार में और रणनीति में कहां कमी रह गई, क्या कमी रह गई, और भारतीय जनता पार्टी ने वो कौन सी अदृश्य शक्ति का उपयोग किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब कौन सी अदृश्य ताकत है भाई? ठीक है, ये अदृश्य शक्ति जब आप कहते हैं संजय निरुपम, तो आप पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, और इसीलिए बार बार जब आप ईवीएम का जिक्र करते हैं तो आप तमाम उस पूरी मशीनरी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं जो दिन रात महीनों से मेहनत कर इस लोकतंत्र के उत्सव को सफल रूप से आगे बढ़ाती है और नतीजों तक पहुंचाती है। मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन जवाब इसका शेरगिल जी आप क्या देंगे जो संजय निरुपम कह रहे हैं, कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति है? देखिए, दो बातें हैं। संजय निरुपम जी मेरे बड़े भाई हैं, इनका आदर सत्कार सम्मान करता हूँ। इनकी बातें सुन के दो हिंदी की कहावतें आ गई याद, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और दूसरी, आज तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं और इस बात का तुम्हें यकीन नहीं। आज जब चुनाव पूरे प्रचार में, तेलंगाना में तो कांग्रेस जीत रही है, पूरा हार जीत का सेहरा
भारत जोड़ो यात्रा को दिया जा रहा है तेलंगाना में, कर्नाटका में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। भारत जोड़ो यात्रा तो राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी निकाली थी, वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की वोटर तोड़ो यात्रा साबित हो गई। तो क्यों सीना नहीं उस हार को स्वीकार करने का, क्योंकि श्री राहुल गांधी का एक मंत्र है कि जीत मेरी हार कार्यकर्ता की। खड़गे साहब कुर्सी पे नहीं बैठ सकते जब तक राहुल गांधी जी ना बैठ जाए। तो ये अध्यक्ष पद से इस्तीफा राहुल गांधी ने ही दिया था 2019 के बाद और मीडिया के सामने आकर उस जिम्मेदारी को लिया था। आपकी अगर पर्सनल नाराजगी राहुल गांधी से है तो क्या मैं ये मानूं इसीलिए आपने पार्टी छोड़ी और आज आप राहुल गांधी पर हमलावर है? पूरी कांग्रेस की जिम्मेदारी एक तरफ और राहुल गांधी एक तरफ? नहीं नहीं देखिए देखिए मैं तीन बात